यूपी का सहारनपुर साइबर क्राइम का गड़बड़ जा रहा है। साइबर क्राइम टीम को ठगी के 100 से ज्यादा शिकायतें जो मिली हैं, ज्यादातर मामले ओटीपी को लेकर अकाउंट खाली करने को है, तो कुछ कोरियर से ठगी के मामले सामने आए हैं। आलम यह है कि साइबर टीम के पास रोजाना 5 से 6 शिकायतें आ रही हैं। ज्यादातर लोग ठगी के बावजूद पुलिस से शिकायत करने नहीं जाते। जिले में ठगी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा रोजाना जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, बावजूद इसके लोग ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लोग लालच में पड़कर ठगी का शिकार हो रहे हैं। एसएसपी ने लोगों से अपील की, कोई भी व्यक्ति अपने बैंक के डिटेल्स किसी से साझा ना करे और मामला सामने आने पर फौरन पुलिस को सूचना दे। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अननोन सोर्स से जो लिंक आता है या कोई प्राइज मनी विन किया है करके कोई सूचना आता है या कोई आपको बैंक वाला बन के ओटीपी मांगता है, तो इस तरह का जो चीजों से बचना चाहिए। अखबार में एक विज्ञापन छपा, लेकिन उस विज्ञापन में छपी तस्वीर को लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल खबर सवेरा योजना के विज्ञापन से जुड़ी है। योजना के विज्ञापन में छपी बुजुर्ग महिला की तस्वीर को लेकर एक युवक ने दावा ठोका। युवक का दावा है बुजुर्ग महिला उसकी मां है, जो कि नवंबर से 2019 से लापता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट मंजौला थाने में दर्ज है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये यूपी 112 का सवेरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उसमें जो वृद्ध महिला का जो फोटो है उसको देखकर थाना मजौला क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने इन्फॉर्मेशन दिया कि इसकी जो शक्ल है मेरी माँ से मिलती है, जिसकी गुमशुदगी भी 2019 में उनकी माँ के संबंध में पंजीकृत है। तो इसमें जाँच की जा रही है, इसमें मुख्यालय को भी अवगत करा दिया गया है और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधि कार्यवाही हम पूर्ण करेंगे। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार पर छापा मारा गया। छापेमारी डीएसओ की टीम और ग्वालटोली पुलिस की संयुक्त टीम ने की। मौके से छापेमारी करने वाली टीम को दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों के घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर मिले। सिलेंडर्स की रिफिलिंग का अवैध कारोबार आरोपी घर से ही कर रहे थे। पुलिस ने सभी सिलेंडर्स जब्त कर लिए हैं।